प्रधानमंत्री तो बनेगा देश का नरेंद्र मोदी तय है, नरेंद्र मोदी का बनना तय है और 400 सीटों से ऊपर आएगी बीजेपी। नरेंद्र मोदी 400 सीट से ऊपर पाएगा बीजेपी। मोदी जी तो कह रहे बीजेपी 370 प्लस एनडीए 400। हाँ 400 सीटें आएगी, पक्की आएगी। आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना देश में या दिल्ली में, जो किसानों को भड़काने काम कर रहे हैं विरोधी कर रहे हैं। अच्छा। विरोधी आज भयभीत हो गए हैं नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी इतना बढ़िया काम कर रहा है कि विकसित भारत का संकल्प लिया है ये। अच्छा। और भारत इतना विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा था कि देश की सड़कों को देखते थे तो हम लोगों को रोना आता था। आज देश की सड़कों को देखिए, आज ये स्थिति है कि शौचालय का निर्माण हुआ है देश में, गांव-गांव में शौचालय बने हैं, आवास की सुविधा मिली है, आज बीमार आदमी को आयुष्मान कार्ड की सुविधा है। आज देश में इतने काम हो रहे हैं, अयोध्या का मंदिर, भगवान राम के मंदिर के लिए, भगवान को न्याय पाने के लिए 500 साल का इंतजार करना पड़ा, और आज नरेंद्र मोदी ने भगवान राम को नहीं भारत के नागरिकों को न्याय दिया और भारत की जीत हुई। और 22 जनवरी का दिन, जिस दिन अयोध्या में भगवान राम का रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको हम जीवन में नहीं भूल सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जनता को मूर्ख बना रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता परेशान है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, न्याय मांग रहे हैं राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी की बात मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी के पिताजी प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो हमेशा हवाई जहाज में चलते थे, पायलट थे, हवाई जहाज चलाते थे। आज राहुल गांधी की ये स्थिति है कि अखिलेश यादव साइकिल के पीछे धक्का मार के चढ़ते हैं। कहाँ राजीव गांधी हवाई जहाज चलने वाले और कहाँ राहुल गांधी अखिलेश की साइकिल के पीछे ढकेल के बैठने वाले। ये ऐसा आदमी लोगों को मूर्ख बना रहा है। आज इसकी शादी नहीं हुई है, कोई लड़की देना नहीं चाहता। शादी से क्या संबंध है, शादी से क्या मतलब है राजनीति? मैं कहता हूँ जिस आदमी के ऊपर भरोसा नहीं है किसी बाप को, लड़की नहीं देना चाहता तो देश की बागडोर हम कैसे उसको देंगे? व्यक्तिगत जीवन अलग होता है, आप भी जानते हैं। अरे भैया मैं कहता हूँ वो प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाता है, लोकतंत्र की मजाक उड़ाता है। उपराष्ट्रपति जो था उसका वो फोटो बना रहा था बच्चों टाइप का, ये देश का कोई नेता कर सकता है? अरे मेरे को हंसी आती, तीन पीढ़ी का राज करने वाला उसका बेटा जिसका बाप राजीव गांधी। इतना मोदी जी का गुण क्यों गा रहे हैं भैया? मोदी ऐसा आदमी है, भगवान है, इंसान के रूप में आया लेकिन है भगवान। मोदी भगवान है, मोदी भगवान है, और भारत का हर आदमी मानता है कि मोदी नहीं रहेगा तो अब देश नहीं चल पाएगा, मोदी रहेगा तभी देश चलेगा, अन्यथा अब देश को चलना मुश्किल है। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद कोई और कर्म योगी आएगा और देश खूब आगे बढ़ेगा। कई सब अंधभक्त कमेंट में नीचे लिख देंगे तो उनको क्या कहेंगे? नहीं नहीं मैं कहता हूँ देश को यदि सही रास्ते पे ले जाने वाला संत है, भगवान है तो मोदी है, और मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। और तो प्रभु राम है, श्री कृष्ण है ना जी। अरे भैया भगवान का एक रूप कोई बन के आता है। आज देखो ये राहुल गांधी इतना छटपटा रहा है, कभी न्याय यात्रा निकालता है, कभी कुछ यात्रा निकालता है, लेकिन ये इस बार 40 से नीचे चला जाएगा। अच्छा। अभी 44-45 है, 40 सीट से नीचे हो जाएगा ये। चलिए और हमारे साथ चाचा हैं, आप भी वरिष्ठ हैं, चाचा थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या लग रहा है देश में इस वक्त? किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ देश में लोकसभा का इलेक्शन भी है, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है आप? देखो जी मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, बारी वाले की बारी और कट कट मेरे चमारी, समझ रहे हो? बारी वाले की बारी, कट कट मेरे चमारी। राजनीतिक अगर पॉलिटिक्स अगर किसी से सीखनी है तो नरेंद्र मोदी से सीखिए। अच्छा। उसने देश का जितना भी भला किया है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? सर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी जी क्यों बनेंगे, कारण बता दीजिए। वो पॉलिटिक्स के जरिए भला भी चाहते हैं देश का और किसी को दिल में ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। जरा सा भी कुछ भी कोई ऐसी कोई दिक्कत होती है पॉलिटिक्स के या राजनीतिक के जरिए, कैसा भी कह लिए तो वो नियंत्रण करते हैं। हाँ हालात को काबू करना उनको बखूबी आता है। और आम आदमी पार्टी के नज़रिए से मैं कहूँ, दिल्ली में राजनीतिक कांग्रेस जो कि राज कर गई, इन्होंने भारत देश का, दिल्ली का खासकर कुछ ज्यादा भला नहीं किया इन्होंने। बस आगे आ जाइए, आपने पुराना दौर भी देखा होगा कांग्रेस का। हाँ। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, सीधा स्पष्ट शब्दों में? मैं इस समय 75 साल का हूँ। जी जी जी। और बहुत बढ़िया अंकल जी। जब मैंने
जवानी से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके आगे बढ़ता चला गया, मगर कोई भी ऐसा नेता या प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं देखा जो हिंदुस्तान के पक्ष में मुझे अच्छा लगा हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे बचपन में थे, उनको हम लोग नेहरू चाचा कहते थे, मगर उसके बाद धीरे 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 परिषद चेंज होता गया और मैंने अपना 18 साल की उम्र में भी मैंने अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया। और जब तक अयोध्या कांड हुआ था, अयोध्या कांड में पहली बार मैं अयोध्या गया था, उस कांड में मैं भी शामिल था। मेरी गाड़ी पीछे पीछे थी, नेताजी की गाड़ी आगे आगे थी। वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, जो सच्चाई है वो आप सब लोग जानते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा किसी भी पार्टी के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी जनता पार्टी हो, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो एक धर्म के नाम पे अयोध्या में कुछ कर सके। ठीक है, अच्छा अच्छा, आप तो 75 वर्ष हो गया आपको, है? देश भी अमृत काल मना रहा, अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री क्या राहुल गांधी बन सकते हैं? मैं पता, नोटबंदी का काम बहुत जरूरी था क्योंकि नंबर 2 में पैसा खर्च हो रहा था, लोगों के पास नंबर 2 का करोड़ों अरबों रुपया फंसा था।